आज सबसे पहले पटियाला देश में बनने वाली नई सरकार का परीक्षण करेगा। देश की राजधानी में कई अहम बैठकें हुई। नीतीश, नायडू और मोदी के सहयोग से एनडीए सरकार की जो हैट्रिक होने जा रही है उसकी गारंटी पर लोगों के मन में क्या सवाल है? सवाल यह है कि देश की नई सरकार मजबूत होगी या कमजोर होगी। इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, नई सरकार को लेकर बड़ी गंभीर बातें हुई हैं। मेरे साथ सबका अपडेट देखिए। लोकसभा चुनाव में नतीजों में कई चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक कई जीत बड़ी विचित्र हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वोटर क्या सोचकर वोटिंग करता है। अब देखिए वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कितना विकास किया, देवालय से लेकर औषधालय तक बनाए, लेकिन फिर भी एक साधारण से उम्मीदवार के खिलाफ उनकी जीत का अंतर बहुत कम हो गया। मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के विक्ट्री मार्जिन में कमी आई तो यह चर्चा का विषय तो होगा ही। आज पटियाला मोदी की जीत के अंतर में आई कमी का परीक्षण करेगा और यह जानने की कोशिश भी करेगा कि वोटर आखिर क्या देखकर वोट देता है। केंद्र में गठबंधन की नई सरकार बनी तो क्या राज्यों में बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र के डेप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि उनको डेप्टी सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए। नई सरकार में बिहार की भूमिका को देखते हुए भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। सत्ता का चरित्र बदलते ही राज्यों में चाल और चेहरा बदलेगा या नहीं, इसका परीक्षण अब मेरे साथ देखिए। इस बार गर्मी तापमान के नए रिकॉर्ड बना रही है। चिंता की बात यह है कि रातें भी औसत से ज्यादा गर्म हो गई हैं। इसे वार्म नाइट इफेक्ट भी कहा जा रहा है। तापमान का यह बदलाव ब्रेन स्ट्रोक की बड़ी वजह बन सकता है। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग सावधान रहे। गर्मी से ब्रेन स्ट्रोक के रिलेशन पर विशेष विश्लेषण देखने के लिए पटियाला के साथ रात 9:45 तक बने रहिए। मोदी बनेंगे पीएम, किंग और किंग मेकर के कई हैं दावेदार। अब की बार कैसे चलेगी सरकार? कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। पहले उनसे पूछ लीजिए आपका आपकी बार 400 पार का जो नारा है उसका क्या हुआ, पहले पूछ लीजिए, फिर स्वेडिंग इनका पूछना। जनता ने मोदी जी को हराया है तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। क्या गठबंधन के साथी मंत्री पद के लिए बता रहे हैं अपनी राय? गठबंधन सरकार में क्या होगा समर्थन के लिए मंत्री पद का फॉर्मूला? प्रधानमंत्री जी जल्दी शपथ देंगे। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं। नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं। मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। चंद्रबाबू से हर दल का नेता क्यों कर रहा है मुलाकात? कौन बनेगा एनडीए का संयोजक और क्या होंगे उसके अधिकार? एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything will report you. नीतीश जी ने अपनी बात क्लियर कर दी है, चंद्रबाबू जी ने भी क्लियर कर दी है, अब हताश लोग बोलने दीजिए। कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, एक देश एक इलेक्शन। मथुरा काशी में मंदिर निर्माण पर कैसे बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए के साथ हम लोग हैं। पूरा देश में एनडीए 292 सीट जीता है। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। नीतीश नायडू और अन्य के समर्थन में कितनी स्थायी होगी सरकार? नीतीश जी और नायडू जी उन्होंने हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखा। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए कुछ साल पहले, उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती। तो
और जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी हमारे साथ ही है, नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहेंगे और एनडीए के जो सभी साथी है। मोदी की सरकार मजबूत या मजबूर? सबसे पहले मोदी की गठबंधन सरकार पर बड़ा अपडेट। जैसा कि आप मेरे साथ और मेरे आसपास देख पा रहे हैं कि कई शब्द दिखाई दे रहे होंगे आपको, इन शब्दों में देश की नई सरकार के निर्माण की कहानी है जो बारी बारी से मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक पत्र दिखाना चाहता हूं जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। एनडीए के घटक दलों ने मोदी को अपना नेता चुन लिया है, यह बात बाकायदा कागज पर लिखकर देश के सामने पेश की गई है। 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, बैठक सुबह 11 बजे रखी गई है। इसमें पहले मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, फिर शाम को 5 से 7 बजे के बीच बीजेपी और उसके घटक दल राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना समर्थन पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। नई सरकार बनाने के लिए आज दिन भर और क्या क्या हुआ पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको एनडीए की बैठक की बाकी महत्वपूर्ण बातों का भी अपडेट दूंगा। आज सुबह कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन के लिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। एनडीए की बैठक से पहले ही 17वीं लोकसभा को भंग करने के लिए मोदी ने पत्र सौंपा। इसके बाद मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। अब आपको एनडीए की बैठक का अपडेट भी बता देता हूं। एनडीए की बैठक में 17 घटक दलों के नेता पहुंचे थे, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, टीडीपी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे, आरएलडी के जयंत चौधरी, एचएम के जीतन राम मांझी, एलजीपी के चिराग पासवान, एजेएसयू के सुरेश महतो, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, जेडीएस से कुमार स्वामी, एसकेएम से सिक्किम के सीएम प्रेम कुमार तमांग इस मीटिंग में शामिल हुए। साथी तो मिल गए, औपचारिकता भी हो गई, लेकिन लोगों के मन में सवाल यह है कि मोदी की तीसरी सरकार मजबूत होगी या फिर मजबूर होगी। 24 के जनादेश से उपजे इसी राजनीतिक सवाल का परीक्षण अब पटियाल करेगा। बीजेपी को इस बार 2014 और 2019 जैसा स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब की बार मोदी सरकार का वजूद जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की कृपा पर टिका हुआ है, यानी गठबंधन को साधे बिना मोदी सत्ता के सिंहासन की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसीलिए आज दिन भर दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल रही। इस राजनीतिक घटनाक्रम को पटियाल ने खास नाम दिया है एन फैक्टर, यानी नीतीश और नायडू। एन के शुरू होने से न पहले आता है और फिर सत्ता तक पहुंचने के लिए हां की चाबी इसी ना के पास है। सुबह तक नीतीश के समर्थक यह दावा कर रहे थे कि नीतीश भी पीएम बन सकते हैं, लेकिन फिर यह दावा किंग मेकर पर जाकर सेटल हो गया। दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू, जिनके आसपास सियासी हलचल काफी तेज है इस वक्त, पटना से सुबह ही एक फ्लाइट पकड़कर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, पीएम आवास पर गठबंधन सरकार का रोड मैप समझा। एनडीए के सहयोगी दल दिन भर नीतीश से मिलते रहे। अब दूसरी तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, आंध्र प्रदेश की नई शक्ति चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे, मोदी से मुलाकात की। एनडीए के घटक दल इनसे भी मिलने के लिए गुलदस्ता लेकर आते रहे। नीतीश और नायडू आज एनडीए में सेटल कर दिए गए, लेकिन कल ऐसा नहीं था, कल वो सेटल नहीं थे, आज हो गए। कल ये हवा थी कि शरद पवार ने नायडू और नीतीश से फोन पर बात की है, अखिलेश को भी ये कहा गया था कि वो दिल्ली में नायडू से मिलेंगे। आज भी सुबह पवार यही कहते रहे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला हुआ तो वो नायडू और नीतीश से बात करेंगे, लेकिन जब नीतीश दिल्ली आने के लिए फ्लाइट में सवार थे तो उनकी पिछली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने उनसे बात की, लेकिन कुछ ही देर बाद तेजस्वी उठे और नीतीश कुमार की बगल में जाकर बैठ गए। इस पर अगल बगल का माहौल बना जरूर, लेकिन इस माहौल की उम्र बहुत छोटी थी। Thank you.
क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है, उपड़ा चलिए। कुछ क्या है नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं बात हो एग्जाम इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम का सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। बात करते हैं नीतीश कुमार जी ऐसे ही हैं, अगर दिल्ली बैठे तो निश्चित तौर पर देश का और भी अच्छा विकास होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं, प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल में उनके साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा ये पूर्णतः विशेषाधिकार मेरे प्रधानमंत्री जी का है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत स्पष्ट कर चुका है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए उच्च पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं जो कि गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास चल रहे हैं, तो एनडीए को चलाने के लिए एक संयोजक की भी जरूरत होगी। इस रेस में चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे आगे है। आज एनडीए की बैठक में कुर्सी की पोजिशन से काफी कुछ साफ हो गया। बैठक में मोदी के बाईं तरफ पहली कुर्सी पर नायडू थे और दूसरी पर नीतीश। बीजेपी और टीडीपी के बीच संयोजक का काम पीयूष गोयल करेंगे, ऐसे संकेत मिल गए हैं, साफ हो गया है। अब पटियाल उस सवाल का परीक्षण करेगा जिससे इस सरकार का सबसे ज्यादा सामना होने वाला है। हर आदमी पूछ रहा है कि विरोधी स्वभाव की पार्टियां एक साथ सरकार कैसे चलाएंगी। क्या यूपीए सरकार वाला वो दौर लौट आएगा जब गठबंधन की मजबूरियों से सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बनते हुए देखा गया था? बीजेपी के पिछले दोनों टर्म बड़े और बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं, हर कानून पास होता था, हंगामे के बावजूद संसद में सबसे ज्यादा काम होता था, लेकिन अब वो मजबूती देखने को मिलेगी क्या? और इस सवाल की वजह है बीजेपी का कोर एजेंडा जिसे पूरा करने का वादा करके वो सत्ता के दरवाजे तक इस बार भी पहुंची है। बीजेपी नेताओं ने वोटर से कहा था कि सरकार बनी तो मथुरा काशी का उद्धार करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर नीतीश और नायडू कितने सहमत होंगे? बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह भी कहा था कि सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। नायडू और नीतीश इस पर कितना समर्थन करेंगे, क्योंकि वो इसके खिलाफ भी खड़े रहे हैं। बीजेपी ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की योजना तैयार कर ली है, क्या उस पर गठबंधन का सहयोग मिलेगा? बीजेपी देश में जातिगत सर्वे का विरोध करती है, जबकि नीतीश कुमार सर्वे के समर्थक हैं। बिहार में नीतीश सर्वे करवा भी चुके हैं, इस पर गठबंधन सरकार का रुख क्या रहेगा? ऐसे ही विवादित मुद्दों पर नीतीश कुमार 2013 में और नायडू 2018 में एनडीए को छोड़कर चले गए थे। राजनीति में पाला बदलना कोई नीतीश से सीखे, शायद यही वजह है कि इन दोनों से बीजेपी का विरोध सोशल मीडिया में बहुत हॉट प्रॉपर्टी है। मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है, ये हमारे मित्र को चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। ख्वाब देखने लगे और उन्होंने विश्वासघात भाजपा से नहीं किया है, विश्वासघात बिहार के कोटि कोटि जनों से किया है। दंभ, घमंड, अहंकार, हुंकार से अहंकार टपकता है उस शब्द में समाहित है। और यह हुंकार कब कर रहे थे? जब हम लोग साथ थे तभी। इनका भेद तो खुल गया जब साथ में थे तभी से हुंकार करने लगे थे, तब अलग हो गए, तब विश्वासघात। कैसा विश्वासघात? विश्वासघात तो आपने किया,
क्या वादा किया था नेताओं ने? मैं चंद्रबाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को आपके बेटे के अलावे नारा लोकेश के अलावे क्या दिया है? मित्रों, चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमित शाह को किसने कहा गठबंधन के दरवाजे खुले रखें? क्या मैंने उनको कहा? वो बकवास कर रहे हैं, इस तरह का घमंड उनके लिए अच्छा नहीं है। अमित शाह कौन है? 4 साल पहले उनको कौन जानता था? क्या आप 4 साल पहले अमित शाह को जानते थे? मैं 35 साल से राजनीति में हूँ। अब पटेल कौन बनेगा मंत्री का परीक्षण करेगा, ये जानने की कोशिश होगी कि मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को कितना हिस्सा मिलेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब तक बीजेपी के हिसाब से फॉर्मूला चलता था क्योंकि बहुमत उसके पास रहता था, इसीलिए दबदबा बीजेपी का रहता था। 10 साल तक टॉप मिनिस्ट्रीज बीजेपी के पास ही रही, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी बीजेपी की चलेगी या फिर सरकार में नंबर 2 का महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री पर सहयोगियों के नाम लिख दिए जाएंगे? गृह, रक्षा, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जल शक्ति, सूचना एवं प्रसारण शक्ति, वित्त और विदेश मंत्रालय किसके हिस्से में आएंगे, क्योंकि ये सब मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर एनडीए के किस दल के पास आएगा, यानी उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए के बड़े सहयोगी जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और शिवसेना ने अहम मंत्रालयों की डिमांड रखती है। 2019 वाले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट में 28 कैबिनेट मंत्री थे और इनमें से सिर्फ एक मंत्री पशुपति पारस ही सहयोगी दल से थे और उन्होंने भी चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया था। 3 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, इनमें से कोई सहयोगी दल से नहीं था। मोदी सरकार में 44 राज्य मंत्री थे, इनमें से सिर्फ 2 ही सहयोगी दल से थे। मंत्रिमंडल के लिए अब तक बीजेपी का फॉर्मूला ही लागू होता रहा है। 2019 में 5 सांसद पर एक मंत्री वाला फॉर्मूला अपनाया गया था, यानी जो भी एनडीए का सहयोगी आएगा उसको इस फॉर्मूले के तहत बर्थ मिलेगी, कैबिनेट मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार में क्या नया फॉर्मूला अपनाया जाएगा? अब सहयोगी डिमांड बढ़ाते गए तो क्या बीजेपी को बड़े मंत्रालयों पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है? क्योंकि साल 2019 में ही नीतीश कुमार की जेडीयू ने 3 सांसद पर एक मंत्री वाले फार्मूले की मांग रखी थी और जेडीयू इस पर मांग ही नहीं रख रही थी, अड़ गई थी। आज सुबह पुरानी सरकार की आखिरी कैबिनेट की मीटिंग में मोदी ने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, आगे भी करते रहेंगे। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि जो नई सरकार बनेगी उसके अगले 125 दिन का एजेंडा है क्या। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके 10 नए शहर विकसित किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना किया जाएगा। भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए वर्ल्ड सेंटर बनाने पर भी काम किया जाएगा। टैक्सेशन और डेटा प्राइवेसी से जुड़े चिंताओं को दूर करने के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी पर भी काम किया जाएगा। जुडिशियल प्रोसेस और डिजिटलकरण के लिए काम किया जाएगा। पेपर लीक को रोका जाएगा। बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को एक ही इकाई के अंदर लाने पर काम किया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी बीमा योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। फिलहाल ये स्कीम 14 सेक्टर्स में लागू है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। बैंक करप्सी कोड को बदला जाएगा। ये सब 125 दिन का एजेंडा तय किया गया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई और ये आज ही रखी गई थी। ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के करीब 30 सहयोगी दल भी पहुंचे हुए थे। बैठक में किस किस बात पर विचार हुआ, इसकी जानकारी भी पटियाल के पास है। मुख्य रूप से 3 सवालों पर चर्चा हुई। क्या सवाल थे वो? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? बहुमत के लिए 38 सीट कैसे और कहां से जुटा सकते हैं? सरकार बनाएंगे या मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे? ये 3 मुद्दों पर बात हुई। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन को मौके का इंतजार रहेगा या वो मौके का इंतजार करेंगे।
यानी सरकार बनाने के लिए। केंद्र में जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो राज्यों में सत्ता के समीकरण भी बदल जाते हैं। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां गठबंधन की सरकार है वहां पर स्थिति तेजी से बदलती है। दिल्ली में एनडीए की सरकार बनते ही महाराष्ट्र से रुझान इसके आने भी लगे हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए। उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के बुरे प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी ली और अपना पद छोड़ने की पेशकश भी कर दी। वैसे तो ये रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन फडणवीस ने कह दिया कि वो संगठन में लौटना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए काम करना चाहते हैं। ये जो हमारा महाराष्ट्र डिबेकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं, कहां कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापिस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास है, उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। देवेंद्र जी इसके आगे कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट कर पाएगी। अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्शन के लिए बीजेपी का कोई नया चेहरा आ सकता है तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वह विनोद तावड़े जी का चेहरा होगा। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार है। अगर नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल तक सब बदल सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला तो नरेंद्र मोदी को अमेरिका से लेकर फ्रांस तक ना जाने कहां कहां से वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बधाइयां आने लगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में बधाई के संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी को बधाई दी, उनकी तारीफ की। जीत की बधाई पड़ोसी मुल्क चीन से भी आई है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ भविष्य में काम करने के लिए तैयार है। इसके अलावा बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटेले, जमैका के राष्ट्रपति एंड्रयू होलनेस ने भी मोदी को बधाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी एक्स पर मोदी को बधाई दी। नेपाल के प्रधानमंत्री कॉमरेड प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने भी मोदी को एक्स पर बधाई संदेश भेजा है। अब पटियाल वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। वैसे तो राजनीति में चुनाव और नतीजों के बाद वोटर की फिक्र किसी को नहीं रहती, लेकिन आज मतदाता के मूड का परीक्षण करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कई सीटों पर ऐसे नतीजे आए हैं जहां मतदाता के मिजाज को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर वोटर क्या देखकर वोट देता है, चुनाव में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार या फिर कुछ और ही? इसके जवाब की तलाश में पटियाल आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता है। पहली तस्वीर में पंजाब का अलगाववादी नेता अमृतपाल है और दूसरी तस्वीर पूर्व आईपीएस की है जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो तमिलनाडु के ए अन्नामलाई है। असम की जेल में बंद अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहब से चुनाव लड़ा। अमृतपाल ने जेल से ही अपना पर्चा भरा, प्रचार के लिए बाहर भी नहीं आया, बावजूद उसके 1,78,000 वोटों से जीता और सांसद बन गया। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कोयंबटूर सीट से चुनाव लड़े, दिन रात प्रचार किया, खूब जनसमर्थन भी मिला, लेकिन अन्नामलाई 1,00,000 से भी ज्यादा वोट से हार गए। अमृतपाल पर एनएसए लगा, खालिस्तानी चरमपंथ को हवा देने का आरोप है उन पर। जनता ने अपने वोटों की बदौलत अमृतपाल को माननीय बना दिया। दूसरी तरफ अन्नामलाई को सारी योग्यताओं के बावजूद जनता ने खारिज कर दिया। अब यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वोटर क्या सोचकर वोट देता है। इसकी एक बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर घट गया। देश में मोदी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी ने काशी का विकास भी खूब किया, फिर भी उनकी जीत का अंतर घट गया। आखिर
क्यों? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं, मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहे थे। बीजेपी में बड़े से बड़ा नेता मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ता है और बड़े से बड़े मार्जिन को लेकर वो हमेशा जीत हासिल करता है। इस बार भी इंदौर और देश के दूसरे हिस्सों में वोट पाने के रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन जिसके नाम पर सब जीते उसका खुद का विक्ट्री मार्जिन घट गया। 2014 में मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे। ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने 3,71,784 वोटों के मार्जिन से जीता था। 2019 में क्या हुआ? 2019 में मोदी को उसी काशी से 6,74,664 वोट मिले। ये कुल वोटों का 63.62% था और 2014 के मुकाबले ये वोट 7.25% ज्यादा था। पीएम मोदी की जीत का मार्जिन भी बढ़कर 4,79,505 वोट हो गया। फिर आया 2024 का चुनाव। 10 साल का काम और नाम, लेकिन नतीजों ने चौंका दिया। पीएम मोदी को इस बार 6,12,970 वोट मिले, जीत का मार्जिन घटकर 1,52,513 वोट रह गया। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में वाराणसी के विकास के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें कहां कहां खर्च हुए ये उस पर गौर कीजिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पावर सेक्टर पर 890 करोड़ रुपए खर्च किए गए और रोड कनेक्टिविटी पर 4,290 करोड़, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए और रेलवे पर 1,499 करोड़, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और टूरिज्म विकास पर 663 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना वाराणसी और उसके आसपास खर्च किया गया, फिर भी जीत का जो मार्जिन था उसका आंकड़ा कम हो गया। इतना ही नहीं, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 40 बार वाराणसी का दौरा किया, मतलब खुद भी गए और विकास को भी वहां पर लेकर गए। वाराणसी में विकास का मार्जिन तो घटा, लेकिन पीएम मोदी की जीत का मार्जिन कैसे घट गया? ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वोटर क्या सोचकर वोट देता है, क्या सोचकर वोट देता है, मतदाता के मन में क्या चलता है यह कोई नहीं जानता। विकास से निहाल हो या समस्याओं से बेहाल, चुनाव में बूथ पर जाकर वोटर किस पार्टी के पक्ष में बटन दबा दे यह कुछ नहीं पता। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 7 साल से संगठित अपराध पर बुलडोजर चल रहा है। एनकाउंटर के डर से अपराधी मारे मारे फिरते हैं। सरकार यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश घोषित कर चुकी है, लेकिन यूपी की 80 सीटों के नतीजे आए तो बीजेपी 33 पर सिमट गई। अपराधियों को संरक्षण देने की बदनामी झेलने वाली समाजवादी पार्टी को वोटरों ने 37 सीटें जिता दी। डबल इंजन वाली सरकार में अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन अयोध्या में वोटर ने बीजेपी को नकार दिया। अयोध्या के आसपास की सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। इसके खिलाफ बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया था कि वो रामलला के दर्शन करने नहीं आए, वो समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत गई अयोध्या के आसपास की। तो क्या यह मान लिया जाए कि वोटर के लिए सरकार का काम क्षेत्र का विकास, सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन मायने नहीं रखता?
सरकार और लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद बीजेपी को दरकिनार करने वाला यूपी का वोटर 2017 में अखिलेश यादव को भी हैरान कर चुका है। यह अकेले बीजेपी के साथ नहीं हुआ ऐसा, पहले क्या हुआ था? अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन दौड़ा दी, बिजली उत्पादन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ये दावे किए थे अखिलेश ने। इसके बावजूद वोटर ने क्या किया? वोटर ने बटन दबाकर अखिलेश यादव की विदाई करवा दी। हालांकि वो जनता के सामने काम बोलता है वाले नारे के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन 12 साल बाद वोटर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी पर कैसे मेहरबान हो गया? इसका जवाब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। अब राजस्थान का हाल सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। 2019 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा जीत ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को राजस्थान में तगड़ा झटका लगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर कमल खिला है। राजस्थान में बीजेपी की सीटें घटने का कारण क्या पेपर लीक है? क्योंकि 2019 के बाद राजस्थान में 12 बार पेपर लीक हुआ। दावा यह किया गया कि राज्य में हर साल औसतन 3 बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का असर सीधे तौर पर 40 लाख छात्रों पर पड़ा। जांच में यह पाया गया कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर इनको पेपर लीक किए गए, यानी पेपर इतने पैसे में बिका। लेकिन अगर गुस्सा पेपर लीक पर था तो कांग्रेस पर निकालना चाहिए था, नुकसान कांग्रेस का होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए सवाल यह बनता है कि वोटर क्या सोचकर वोट करता है, अपना हित या फिर कुछ और ही? पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को उम्मीदों से ज्यादा झटका लगा है। ये वो राज्य हैं जहां चुनाव से पहले ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव थे। तीनों राज्यों में भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर कमल नहीं खिला। हरियाणा की 10 सीट में से बीजेपी के हिस्से सिर्फ 5 ही सीटें आई, जबकि पिछली बार 10 की 10 थी। तो वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाता है, तो क्या यह माना जाए कि इन राज्यों में मोदी सरकार का जांच एजेंसियों से विपक्षियों को दबाने वाला दांव नहीं चल पाया? जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर तक को इन्होंने धमकाया, हमारे एक एक एमएलए, कई सारे एमएलए को फोन आके धमकी आता था कि खबरदार अगर अपने घर से निकले तो तुम्हारे ऊपर ईडी करके। ऐसी परिस्थितियों में जो एकजुट होकर हमने ये लड़ाई लड़ी है, आज उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। अब मैं आपको गुजरात की गेनीबेन ठाकुर का केस बताता हूं। जब गुजरात में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तो बनासकांठा सीट से कांग्रेस के टिकट पर ठाकुर ने चुनाव जीत लिया। गुजरात में कांग्रेस की एकमात्र सांसद है, चंदा जुटाकर चुनाव प्रचार किया और वोटरों की पसंद बन गई। बीजेपी के गढ़ में वोटर ने कांग्रेस को चुन लिया, ये ताज्जुब देने वाली बात है ना। ये एक और पहेली है, वोटर क्या सोचकर किसको वोट देता है, अच्छे प्रत्याशी क्यों हार जाते हैं और खराब प्रत्याशी क्यों जीत जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव वोटर का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर होना चाहिए। आज लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय कुछ औरतों ने घेर लिया। वो कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर आई थी, जिसमें यह वादा लिखा गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव में यह वादा किया था कि वो सरकार में आई तो 1 लाख रुपए सालाना देगी। इस सालाना गारंटी के चक्कर में आज यह विरोध प्रदर्शन हो गया। अब पटियाला पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट केस पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको देगा, जिससे पुलिस कोर्ट में यह साबित करेगी कि एक्सीडेंट करने वाले आरोपी की मां भी इस गुनाह में शामिल है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल की डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना के बाद जांच को गुमराह करने के लिए नाबालिग आरोपी का खून जिस महिला के साथ बदला गया था वो उसकी मां ही थी, जिसका नाम शिवानी अग्रवाल है। शिवानी अभी जेल में है। इससे पहले 3 जून को नाबालिग आरोपी ने हादसे के वक्त भयंकर नशे में होने की बात कबूल की थी। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी के मम्मी पापा और दादा जेल में हैं। सब पर इस केस में सबूतों को मिटाने का आरोप है। इसके अलावा ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टर और अस्पताल का एक चपरासी भी जेल जा चुका है। पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि एक्सीडेंट के वक्त आरोपी की कार में 2 और लोग भी थे, उनके भी ब्लड सैंपल बदले गए थे। 18 और 19 मई की रात को पुणे में यरवदा इलाके में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महंगी पोर्शे कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवा इंजीनियर्स बैठे थे, दोनों की हादसे में मौत हो गई थी और कार के नाबालिग ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। इस केस में बहुत सारा गड़बड़ झाला पकड़ा गया है। अब पटियाला आपको आपकी सेहत से जुड़ी एक जरूरी जानकारी देगा, जिसका रिश्ता हमारे सबसे प्यारे नाश्ते से है। फल, फूल, अनाज और दालों को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए उसे रंग, रूप, स्वाद और आकार सब कुछ बदलकर उसे पैकेट या डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। इससे उस प्रोडक्ट की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन यही व्यंजन हमारी उम्र घटाने की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। चाय के साथ खाए जाने वाले नमकीन और बिस्किट साथ ही बेकरी प्रोडक्ट्स भी भारत में घर घर की कहानी है। हम खुद भी खाते हैं, मेहमानों को भी खिलाते हैं। चिप्स तो बच्चों की पहली पसंद है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पैकेट बंद खाने के खिलाफ दुनिया को अलर्ट किया गया है। लंबे समय तक खाने लायक रहने वाले पैकेट बंद फूड आइटम्स कैंसर और दिल की बीमारी के साथ मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। यानी डिब्बा बंद जो खाना होता है, रेडी टू ईट खाना जो होता है, वो आपकी जिंदगी को घटा रहा है। इस स्टडी को 30 साल से भी ज्यादा वक्त लगा करने में अमेरिका में 1984 से लेकर 2018 तक 74,563 महिलाओं और 1986 से लेकर 2018 तक 39,501 पुरुषों पर यह स्टडी हुई। 34 साल तक इन लोगों के खाने की आदतों और हेल्थ को रिकॉर्ड किया गया। 34 साल के दौरान अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेट या डिब्बा बंद रूप बदलने वाला खाना जो खाया, उनमें मृत्यु दर बढ़ी हुई पाई गई। मतलब यह हुआ कि डिब्बा बंद रेडी टू ईट खाना खाने से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अनाज, फल, फूल और अनेक तरह के बदले हुए रूप में पैकेट बंद डिब्बा बंद खाना खाने की बीमारियों का कारण बन रहा है क्या? स्टडी में यह सामने आया कि डिब्बा या पैकेट बंद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क 48-53% तक बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 12% तक बढ़ जाता है। दिल की बीमारियों से मौत का रिस्क भी 50% तक बढ़ जाता है। यानी कैसे डिब्बा बंद खाना आपके लिए खतरनाक साबित हो रहा है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी सेहत मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। आज राष्ट्रपति ने पुरानी सरकार के मंत्रिपरिषद को विदाई भोज दिया। मोदी सरकार के सभी मंत्री और प्रधानमंत्री इस विदाई डिनर में शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब केजरीवाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। उत्तर प्रदेश में कल से सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम लोग सीएम से मिल सकते हैं। चुनावी आचार संहिता के कारण 2 महीने से जनता दर्शन कार्यक्रम बंद किया गया था। दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों की वजह से एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना वैक्सीन की वजह से दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। नीदरलैंड ने 47 पश्चिमी देशों के डेटा पर यह स्टडी की, जिसमें यह बात सामने आई कि साल 2020 के बाद कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी 30 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग और महिलाएं हैं तो रात के समय उनका विशेष ध्यान रखें। देश में बढ़ती गर्मी से रात का तापमान बढ़ रहा है, जिससे
ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जर्मनी में हुई रिसर्च से यह जानकारी मिली है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को दुनिया के टॉप 150 शिक्षा संस्थानों की लिस्ट में शामिल किया गया है। दोनों भारतीय संस्थानों की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बेहतर हुई है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पहले से ही तीसरे नंबर पर है।